सोशल डिस्टेंसिंग की शिकायत पर एसपीसीटी डॉक्टर कौसुब ने सोमवार को पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी भलोटिया मार्केट में छापेमारी की और वहां व्यवस्थाओं का स्थानीय निरीक्षण किया। एसपीसीटी डॉक्टर कौसुब ने वहां के दुकानदारों को आगाह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग के पूरी तरह से पालन करें, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें। अगर किसी भी प्रकार की शिकायत मिलेगी तो संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भलोटिया दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे, महामंत्री आलोक चौरसिया सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे तथा एसपीसीटी डॉक्टर कौसुम ने कहा, आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। आप सभी के द्वारा जन सेवा में जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए पूरा प्रशासन आपके साथ है, मगर हमारी आपसे शिकायत है कि कई बार बताने के बाद भी बेतरतीब तरीके से अगर आप दवा बेचेंगे, आप मुझसे लिखित में ले लें कि हमें मजबूरन आपको नोटिस तामिला कराना पड़ेगा और आपके दुकानों को बंद कराना पड़ेगा। इस पूरे कार्य में अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो अन्य जनपदों की तरह हमारे जनपद में भी हम दवा की जगह संक्रमण का स्रोत बन सकते हैं। इसमें आपके सहयोग के बिना कुछ भी कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो हम चाहते हैं कि आप सब थोड़े अपने हाथ डिसिप्लिन फॉलो करवाएं। अभी बाहर कई गाड़ियां खड़ी थी जिन्हें क्रेन के माध्यम से हटाया गया है, इस तरह की चीजें ना हो। आपके यहाँ जो दुकान पे लेने के लिए आ रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो आप तत्काल हमें सूचित करें, हम आवश्यक कार्रवाई उनके विरुद्ध करेंगे। और अगर आप हमारे सहयोग में नहीं रहेंगे तो फिर एक दूसरे के सहयोग के बिना, संक्रमण के बिना बाजार को चलाना अत्यंत ही मुश्किल है, इसलिए बार बार आपसे सहयोग की अपील की जा रही है। बड़ी मंडी में सिर्फ गोरखपुर खुली है, कोई बड़ी मार्केट इसमें मथुरा बंद है, आगरा बंद है, लखनऊ बंद है, बनारस बंद कराने के लिए नहीं हाँ, एसपीसीटी साहब के आने का कारण यह था कि कहीं से उनको शिकायत मिली है कि मार्केट में जो है सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। और चूंकि बड़ी मार्केट जो भी है प्रदेश की, वो आगरा बंद हो चुकी है, लखनऊ बंद हो चुकी है, बनारस बंद हो चुकी है, तो सारा भार इसमें गोरखपुर के मार्केट पे है। और अगर इस तरीके से यहाँ भीड़ बढ़ेगी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो यहाँ के लिए भी दिक्कत हो सकती है, जिसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी, एसपीसीटी साहब भी और तमाम लोग, एडीएम सिटी भी आए थे, हम अध्यक्ष मंत्री और तमाम संगठन के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मार्केट में इस तरीके की कोई परेशानी ना आए।
उसके लिए उनका निर्देश था और हम लोग पूर्ण तरीके से कोशिश करेंगे कि इसका पालन किया जाए। और उन्होंने कहा है कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी विगत दिनों 5 दुकानों पर हमारे यहाँ कार्रवाई हुई थी, कुछ दुकान के लोगों ने लिख के दिया है कि आइंदा ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग हम बरकरार रखेंगे, जिनके चलते उनको खोलने की अनुमति दी गई है। बाकी लोग आगे ऐसा करेंगे उनका सख्त निर्देश था कि अगर पालन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो हम भी सभी से अपील करते हैं, आम जनता से भी, कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के बताए गए निर्देशों का पालन करें। लोगों से लगातार अपील की जा रही है, कई बड़े जनपद जहाँ पे बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ संक्रमण के कारण मंडियों को बंद करना पड़ा है। हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराते हुए मंडियों को सुचारू रूप से चला सके, इसमें सभी व्यापारियों से अनुरोध और उनके सहयोग के लिए अपील की जा रही है। सभी लोगों से कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, अगर कोई इस प्रकार से जानबूझ के सोशल डिस्टेंसिंग में कमी करता हुआ पाया जाएगा तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।